हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वकील या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया तो लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। चलिए अब हम अंदर की स्टोरी देखते हैं, आखिर क्या है ये पूरी स्टोरी। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पटना। किसी भी वकील के ख़िलाफ़ खड़े होने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। ऐसा तो लोग पहले से भी कहते हैं, लेकिन अब मामला और गंभीर होने वाला है। दरअसल बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया इस कोशिश में जुटा है कि वकीलों के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों के लिए अलग से कानून बने। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया गया है। इसके कड़े कानूनी प्रावधानों का जिक्र है बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने पटना में बताया कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू को सौंप दिया गया है। बिल की ड्राफ्टिंग बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की 7 सदस्य कमेटी ने की है। ड्राफ्टिंग कमेटी में वरीय अधिवक्ता एस प्रभाकर, देवी प्रसाद, सुरेश श्रीमली, अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष प्रशांत सिंह, कार्यकारिणी सह अध्यक्ष ए रामी रेड्डी, लीगल एंड कमेटी के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी शामिल हैं। ड्राफ्ट में कुल 16 धाराएं हैं। बिल के अनुसार किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने, धमकी देने या किसी प्रकार का दबाव बनाने को कानून के तहत अपराध माना जाएगा। इसमें सक्षम न्यायालय द्वारा 6 महीने से 2 वर्ष तक सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए अलग से जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय श्रेणी में आएंगे। अनुसंधान 30 दिनों की अवधि में पूरा करना होगा। अधिवक्ता या वकील संघ को किसी भी शिकायत संबंधी मामले के निपटारे के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन होगा। अधिवक्ताओं को न्यायालय का पदाधिकारी माना जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी वकील को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी जब तक मुख्य दंडाधिकारी का स्पष्ट आदेश नहीं हो। अधिवक्ता या वकील संघ की किसी प्रकार की शिकायत के निपटारे के लिए जिला स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक शिकायत निवारण समिति बनाने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।